कॉमन सवाल था कि आफरीन से पूछे आप कि कैबिन क्रू कैसे बने, मतलब उसके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है या फिर नहीं, और हाँ तो फिर हाउ। बस उसके बाद मैंने एक वीक आई थिंक बात नहीं की, मतलब बात इन द सेंस उस बारे में बात ही नहीं हुई कुछ भी चीजों को लेकर। और एक हफ्ते के बाद फिर भी मन में चल रहा था कि यार इंटरव्यू आज के दिन होने वाला था, मैं गई नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीजों की रिक्वायरमेंट थी। टिल देन आई डिड नॉट कॉल यू, तब तक नहीं कॉल किया था। आई रिमेम्बर कॉल किया तब जब मैंने पापा से एक बार बात की, क्योंकि मुझे पता चला कि दोबारा एक इंटरव्यू होने वाला है। और मतलब उस मंथ में 3-4 डेज पे होने वाला था। तो मैं बस एक काम करती हूँ, पापा से थोड़ा बात कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरा यही क्यूरियोसिटी मुझे अभी हो गई, सिंस आई नो यू, यू नो, तो मेरा सवाल ये था कि आई नो दैट यू आर क्लोज टू योर डैड मोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? आई थिंक दोनों के साथ हूँ, ये लोग तो देखने वाले हैं। राइट, आई नो, बट देन मोर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स योर डैड, दैट्स व्हाट आई नो। और होता है लाइक यू नो डॉटर्स आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स देयर फादर, दैट इज लाइक नेचुरल थिंग। तो आई होप मैम बुरा नहीं मानेंगे। सो द क्वेश्चन हियर इज, व्हाई डिड यू नॉट आस्क योर फादर इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं, ऑनेस्टली उस मोमेंट पे वैसा सिचुएशन नहीं बनी जहाँ पापा थे। मम्मी और मम्मी टीवी देख रहे थे, मतलब होता ना हम चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और कोई बात निकल गई और वो बात वैसे ही रह गई, तब इतनी सीरियसनेस हमें भी नहीं लगी कि हाँ इसको ऐसे तभी बोलना है। बट आफ्टर दैट वीक आई रियलाइज की या नहीं, मुझे वो इंटरव्यू में ना जाना कितना खल रहा है कि यार आई मिस्ड समथिंग, क्या पता मैं चली जाती तो कुछ रिजेक्ट भी हो जाती तो पता तो चलता क्यों रिजेक्ट किया है, तो मैं उस पर काम करती। बट आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हेन 11 मार्च आई रिमेम्बर द डेट, मैं उनके पास बैठ के उनको ऐसे इंसिस्ट कर रही थी कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू है और मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, आप क्या आपका क्या कहना है। एंड ही वाज लाइक, उन्हें बिल्कुल ऐसे है कि ये तो मतलब कुछ भी बोलती रहती है, ऐसे इतना जहन दिमाग तो है नहीं। एंड ही जस्ट सेड यस, जस्ट लाइक दैट, ठीक है दे दो। अब उनको पता नहीं है कि इंटरव्यू देना कैसे है, क्या उसकी जो पूरी जो स्टोरी बनने वाली है। द मोमेंट ही सेड यस, आई टाइल्ड विकी डेविड, आई वाज लाइक विकी, वो सीन आज भी मेरे माइंड में वैसे ही फ्रेश है पूरा। एंड देन आई कॉल्ड यू कि मैं बन सकती हूँ कि नहीं, एंड यू वर लाइक तुम हो ऑलरेडी, वो अभी तुम्हें ढूंढने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो व्हेन यू went and asked your dad ki can I do it, and dad you know generously gave a yes, unke liye tha ki theek hai it could be just another thing aur karke you will kind of forget, or not serious, matlab theek hai jo bhi try karne do types, hai na? To jab unhe pata chala ki that you have serious inclination towards it, बहुत सीरियसली उसे परस्यू करना है, एंड यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट, तब उनका रिएक्शन कैसा था? वर दे सपोर्टिव और वर दे शॉक्ड? व्हाट वाज इट? बिकॉज उनके लिए तो वही था ना कि तुमने वो छोटी थी तब तुमने एक बार कर दिया, एंड अभी दूसरी बार देख रहे हैं, तो जब यू नो यू आर इन योर ग्रेजुएशन डेज, हाउ वाज देयर रिएक्शन दैट टाइम? सो ऑनेस्टली आई रिमेम्बर उन्होंने सिर्फ हाँ बोला, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं कि क्या कैसे होने वाला है। बट ऑफकोर्स क्योंकि हमारी बात चल रही थी, मुझे पता था कि तैयारियां कैसी होने वाली है, कपड़े लेने हैं, अपने आप की प्रेपरेशंस, क्वेश्चंस, आंसर जो भी है। सो उस टाइम तक उन्होंने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। मुझे याद है वी वर डिस्कसिंग ऑन कॉल कि कितना हम नी से थोड़ा मतलब रख सकते हैं, वो तक मुझे याद है। ऑफकोर्स आई थिंक अगर आप एक ऐसे मतलब मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले रही, बट मैं बस इतना ही बोलूंगी कोई भी पेरेंट्स हो, जब अगर वो एक सर्टेन तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और अगर बच्चे थोड़ा सा भी कुछ अलग करना चाहे, तो वो ऐसा पेरेंट उनको वो चीज लगती है कि भाई आप कैसे मतलब करोगे, खुद को भी कैसे कम्फर्टेबल लगेगा। सो आई हैड टू कन्विंस देम कि देखो ये एक अटायर है, डॉक्टर जैसे पहनते हैं, जैसे एक एस्ट्रोनॉट को पहनना होता है, वैसे एयर होस्टेस के लिए ये अटायर है कि भाई आपको इस तरह से ड्रेसअप हो गया। Wow. And I was like, That's very convincing, I must say. And then she was like, ठीक है, cool. फिर हम गए और मैंने एक ही पैर लिया था उस टाइम पे, ऑफकोर्स कॉलेज में थे तो मेरी इतनी कुछ ज्यादा अर्निंग थी नहीं, और मैं वैसे भी नहीं थी कि पापा को परेशान करती थी मुझे कपड़े चाहिए, ये दिला दो वो दिला दो। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि हाँ एक ऐसे ड्रेस और ये देख लेना है जिसको मैं पहन के जा सकूँ, और शर्ट्स के कलर्स देखने हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर यू टेलिंग मी व्हाइट मत पहनना, जो पहनना पहन लेना, व्हाइट मत पहनना, सारी व्हाइट पहन के आएंगे। एंड आई ऑलवेज टेल ऑल माय ट्रेनीज, भले वो कॉर्पोरेट जॉब हो कुछ भी हो, अवॉइड व्हाइट, यू नो। या आई नो, आई रिमेम्बर।
तो मतलब कि पहला एक, फिर बाद में ऐसे होने लगा कि जब इंटरव्यू के, पहले तो मुझे एक ही इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, मुझे लगा सिर्फ एक ही इंटरव्यू हो रहा है, जैसे मम्मी, फिर मम्मी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया मेरे इतनी मेहनत देख के, जैसे कैसे कैसे हो सकता है कि एक ही एयरलाइंस का इंटरव्यू चल रहा है, और भी तो होंगे, तुम देखो उनके बारे में. एंड देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट कि अच्छा कहाँ कहाँ चल रहे हैं इंटरव्यू. एंड देन आई रियलाइज कि एक पैटर्न है, हर पूरे एक वीक में एक दिन इधर एक दिन उधर एक दिन ऐसे हो रही है. तो मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर आना है. ओके. भले वो ट्रेनिंग मिले ना मिले, आई वाज रेडी कि कुछ भी ऊपर नीचे होगा, आफ्टर यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. वो रिजेक्शन से पता चल जाएगा बाकी चार में क्या गलती नहीं करनी है. सो या दिस वाज इट. और उसके बाद तो मेरी इतनी मेहनत जो मैं कर रही थी, आई रिमेम्बर 11th मार्च से लेकर 23rd मार्च को था इंटरव्यू, 23rd से शुरू हो रहे थे. सो 11th मार्च और 23rd मार्च के बीच जितना भी दिन था वो बहुत ज्यादा मतलब मेहनत में गया है. लिटरली इतना मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी उतना मेहनत नहीं करती हूँ जितना उस वक्त मेहनत की किसी चीज को पाने के लिए. सो आफ्रिक यू सेड दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन. You are preparing yourself, or rather you said you wanted to get rejected so that you know. No, I did not say that. Okay. I just said ki hota hai na jab hum kisi cheez ke liye ja rahe hote hain to kabhi kabhi hum zid mein jaate hain. Aur wo zid kabhi kabhi wahi problem ban jati hai ki fir dusri jagah hum nahi ja payenge, right? Agar wo na sun li aur us na ko maine accept nahi kiya, main dobara dusre interview ke liye jaane ki himmat hi nahi rakhta, right? So I was open to it ki even if they are telling me no, mujhe pata hona chahiye kyun na bola hai so that dusre nahi bol sake. तो मैं आके आपको बताऊं कि यार ना बोल दिया बट इस रीजन से बोला था. राइट. तो या सो हाउ मेनी इंटरव्यूज डिड यू गिव बिफोर गेटिंग योर ऑफर लेटर व्हिच सेड दैट यू आर अ कैबिन क्रू? ऑनेस्टली इट वाज लाइक आई वाज लकी, वेरी लकी कि एक इंटरव्यू ही था कि जो मतलब नहीं हो पाया. सेकंड इंटरव्यू में थैंकफुल है आई गॉट इट. थर्ड भी ऑलमोस्ट हो ही गया था एज यू नो, राइट, लास्ट मिनट में जाके वो. और फोर्थ तो मैं फिर गई ही, वहाँ पे भी थैंकफुली हो गया था सिलेक्शन. बट अगेन वी डिसाइडेड कि नहीं, इस एयरलाइन पर्टिकुलर एयरलाइन में जाना चाहिए. सो याद है मतलब एक ही बार ना, वो जो ना सुनने की जो इच्छा थी वो सही ही थी, क्योंकि वो गलती फिर दोबारा मिल गई. बिल्कुल. दैट्स वेरी नाइस. या सो मच. सो एनी मेमोरी फ्रॉम योर इंटरव्यू आफ्रीन दैट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड दैट वाज लाइक अ गुड मेमोरी और मे बी समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ? ऑनेस्टली मेमोरीज तो सारा ही अच्छा ही है. आई एम ब्लेस्ड आई थिंक कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है. हाँ, एक इंस्टेंस ऐसा था जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ मतलब अपने इंटरव्यू पहले ही राउंड के लिए अंदर, और मेरे कान से इयर रिंग गिर चुकी है निकल के, मुझे पता नहीं. ये मैं बोल गया था, यू टोल्ड मी, कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई रिमेम्बर आई थिंक सो आई कॉल्ड यू बट कुछ तो हुआ था ऐसे जहाँ पे मुझे बस अंदर जाना है इंटरव्यू के लिए और मेरे कान में इयर रिंग नहीं है, मुझे किसी ने बोला भी नहीं है. बट थैंकफुली देर वॉज वन गर्ल हु वाज सो गुड, मतलब उसने अपने कान की इयर रिंग निकाल के बोले कि तुम जाओ पहन के अंदर. लिटरली इट डिड, शी डिड दैट फॉर मी. और वो बहुत अच्छी मेमोरी होगी क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे हम सब कॉम्पिटिशन समझ के बैठे होते हैं, किसी को कोई उस नजर से नहीं देखता कि वो आपकी हेल्प कर ले, आपके साथ अच्छा बन जाए. बट देन शी दैट गर्ल, मुझे नाम भी नहीं पता, वो इतनी जल्दी में आई और उसने से निकाला, बोला आप पहन लो और आप चले जाओ. उसके बाद मुझे वो दिखी ही नहीं है. मुझे अगर वो आज की वीडियो, जब भी ये वीडियो देखेगी, सो थैंक्स टू हर एक्चुअली. और वही इंटरव्यू जो था आई थिंक जो मैंने क्रैक भी किया. सो इट दिस इज वेरी आई मीन लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से. दिस इज रियली नाइस. इफ आई वर टू बी एट योर एज एंड योर प्लेस और मैं टाई पहना हूँ, किसी की टाई भीग गई मुंह धोते-धोते, एंड समवन बी लाइक कैन कैन हेल्प मी, आई डोंट सी मायसेल्फ डूइंग दैट बिकॉज nobody would, you know, 99% of people will not. करते हैं लोग. And that is why, you know what, मुझे एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई मुझे पूछता है या बोलता भी है तो, कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, you know, आप मतलब मैं भी आज अगर वापस क्या मतलब अगर इंटरव्यू देने जाऊं तो मुझे ऐसे घबराहट होगी, ऑफकोर्स टेंशन होगा कि मैं क्लियर करूंगी कि नहीं. बट सबसे बेस्ट बात यही होगी कि जब आप उस जगह पे जाके लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करो, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे बात करना शुरू करो, क्योंकि एक्चुअली उनके जो लोग होते हैं एयरलाइंस के थ्रू जो लोग होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कितने लोग कितना इंटरेक्टिव है, कौन किससे किस तरह बात कर रहा है, किसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है. सो ऑल आईज आर ऑन यू ओनली. इंटरव्यू की सीट पे आप बाद में बैठेंगे, आपको पहले से ही लोग जो है देख रहे होते हैं. सो इफ यू, आई एम नॉट सेइंग कि आप फेक कीजिए, बट जस्ट बी नाइस. आपको नहीं पता कब आपको भी किसी की जरूरत पड़ जाती है. सो दिस इज व्हाट आई फील यू शुड डू, जस्ट स्माइल एंड बी नाइस टू पीपल इवन इफ यू आर स्केयर्ड इनसाइड. वेरी नाइस.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट कमिंग फ्रॉम यू एंड स्पेशली दोज हु आर एस्पायरिंग, बिकॉज काफी सारे सवाल उसी के रिलेटेड थे कि हमें भी कैबिन क्रू बनना है, दीदी से आप पूछे कि हम कैसे बन सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट. व्हेन यू आर सेइंग मी कि यू नो वहीं पे माहौल में दे आर ऑब्जर्विंग यू हाउ यू आर इंटरेक्टिंग बिफोर यू फॉर्मली गिव यू इंटरव्यू, मुझे सुल्तान मूवी का सीन याद आ रहा है ना कि सलमान दैट कैरेक्टर सुल्तान गोज और वो रिसेप्शन में से देख रहा होता है पेट आगे करके, दे आर वॉचिंग हिम फ्रॉम इनसाइड, वॉचिंग हिम फ्रॉम इनसाइड, और तब पूछे यार ये मतलब दैट इज हाउ इट वर्क्स इन रियलिटी टू, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट. नाइस. तो आफरीन, नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम हैज आस्क्ड मी. तो उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन सवाल था कि आफरीन से पूछे आप कि कैबिन क्रू कैसे बने, मतलब उसके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है या फिर नहीं, और हाँ तो फिर हाउ, इफ यू कैन गिव योर आइडियाज टू देम. ओके, सो ये क्वेश्चन डेली बेसिस पे आता है, लाइक ऑलवेज, कि कैबिन क्रू कैसे बनना और इंस्टीट्यूट चाहिए कि नहीं. सो मैं सबसे पहले ही ये बोल देती हूँ कि नहीं चाहिए. आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत है ही नहीं कैबिन क्रू बनने के लिए, लाइक इट्स बिग नो. आई विल टेल यू व्हाई नाउ, क्योंकि पहले मुझे भी, जब तक मुझे नहीं पता था, मुझे भी यही लगता था कि हमें एक्चुअली किसी स्कूल की जरूरत है समझाने के लिए. बट थैंकफुली आई वाज लकी इनफ कि आप हमारे कॉलेज में आए हमें सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स देने के लिए. ये कुछ स्किल्स होती है जो कभी कभी, अगर किसी का इंग्लिश का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज का हो सकता है, किसी की कोई ऐसी हैबिट होती है, जैसे कि मैं ये अभी बोल के ही बताऊंगी कि हम किसी के आईब्रोज ऐसे होते ना कि जब बात करें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर लेते हैं. मैं उनमें से भी एक. सो होता क्या है कि हमें रियलाइज नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है, बट दिस इज अ प्रॉब्लम. और ये छोटी छोटी चीजें जो है सिर्फ फिक्स करनी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी और एयरलाइंस का गोल ये होता है. बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगी, जब हम किसी को हायर करते हैं काम करवाने के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का काम हो, पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो इंसान उतना फिजिकली और मेंटली स्टेबल है कि वो हमारे काम को समझ सके, राइट? कि वो करने की उसमें क्षमता, उसका मेंटली सब कुछ जगह पर है, कि जैसे BMI हो गया, उसकी स्किल्स जो भी रिक्वायर्ड होंगी. और एयरलाइंस ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आई थिंक हम सब अग्री कर सकते होंगे कि वो देखने पहले इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं, हम जब जा रहे हैं, हम चीजें देख के बड़े खुश हो जाते हैं, तो अच्छी चीज देखना पसंद करेंगे. इसलिए उनकी क्राइटेरियाज वैसे होते हैं कि आप अच्छे दिखो. ये सारे क्राइटेरियाज हो गए, पर आपको लगता है कि अच्छे दिखने के लिए क्या किसी स्कूल जाना पड़ेगा जस्ट टू लुक गुड? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. और मेरा बोलने का ये मतलब नहीं, गुड लुकिंग लोगों को लेते हैं वो, गुड लुकिंग इन द सेंस कि आपके पास जो आपकी स्किल्स है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, किससे कब क्या बात करनी है, आपका क्या कंट्रोल है, तो ये सारी तो बेसिक सी चीजें हैं जो आई थिंक आप डिस्कस कर सकते हैं और उस पे वर्कआउट करके आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं. क्योंकि उसके बाद की जो एक्चुअल जो ट्रेनिंग है वो जिम्मेदारी ही कंपनी की है. वो जो आपकी कंपनी होगी, आप किसी भी चीज के लिए जाएंगे, आई थिंक कंपनी का जॉब होता है आपको काम पर रखना, आपको काम सिखाना, आपको किसी चीज का लाइसेंस देना. तो आप खुद सोचिए कि आपको फिर स्कूल में पैसे दे के क्या मतलब है जब आपको वो लाइसेंस नहीं दे सकते, आपको वो काम नहीं करवा सकते. और दैट इज द रीजन आई से कि अनलेस एंड अंटिल इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जहां पे आपको लगता है कि मैं शायद मान लो मेरी लैंग्वेज का मीडियम ही अलग था, जहां पे मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, जहाँ पे मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, दैट इज व्हेन यू माइट रिक्वायर समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज यू विल नॉट. आई थिंक ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट आफरीन. एंड एक और मैं यू नो कंटिन्यूएशन में खुद अपना एक्सपीरियंस भी रखना चाहूंगा यहाँ पे. आई टोल्ड रिप्लाई टू ऑल योर यू नो फॉलोअर्स कि दे वर लाइक कि इज कैबिन क्रू ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ये वो. तो मेरे टाइम पे BPO इंडस्ट्री वॉज अ बूमिंग इंडस्ट्री, है ना? तो ज्यादातर लोग BPO में जाते थे. तब BPO में इंटरनेशनल डोमेस्टिक टाइप के कॉल सेंटर हुआ करते थे. अब इंटरनेशनल में क्या होता है, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग दी जाती है आपको, US की, UK के, और न्यूट्रल एक्सेंट, और वो दी जाती है. जब कॉल सेंटर आपको हायर करता है वो खुद ही ट्रेनिंग देते ही है बिफोर यू गो ऑन कॉल्स. बट उसके साथ साथ क्या होता था कि बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूट होते थे, दे वुड बी लाइक यू नो वी विल गिव यू BNA ट्रेनिंग. BNA ट्रेनिंग कहते थे उसे हम, वॉइस एंड एक्सेंट. तो
द सेम थिंग. जरूरी नहीं है कि आप वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग करें फिर आपको कॉल सेंटर में जॉब लगेगी ही. इट विल बी एन एडेड एडवांटेज बट डज नॉट मीन कि आप बाहर से पहले ट्रेनिंग ले और फिर ही आपको इंटरव्यू मिलेगा, वैसा नहीं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको पैसे नहीं देने. ये मैं हर बार लोगों को समझाती हूँ. बहुत लोगों के पैसे खराब हुए हैं, नुकसान उठाया है. कोई भी कंपनी आपको कभी नहीं बोलेगी कि आप पैसे देकर इंटरव्यू देने के लिए आओ. इतना कोई कंपनी ऐसे बोल ही नहीं सकती. और इनफैक्ट अब तो वो अवेयरनेस वो लोग खुद बढ़ा रहे हैं और वो अपनी वेबसाइट पर भी ये डालते हैं, डोंट पे मनी. वेरी नाइस. एक और सवाल मुझे ज्यादातर लोगों ने पूछा है कि उन्हें अगर इंटरव्यू देना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी एयरलाइन कब इंटरव्यू ले रही है और how can they find out, like interviews are going on. Okay, so